गदर फिल्म में भले ही तारा सिंह सकीना को लेकर भारत आ जाता है, लेकिन रियल लाइफ में तारा सिंह यानी कि बूटा सिंह जब अपनी जैनब को लेने पाकिस्तान गए थे तो वहां से कभी वापस ही नहीं आए। अब ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। दरअसल साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद शुरू हुए दंगों में बूटा सिंह ने जैनब नाम की एक लड़की को बचाया था, लेकिन बंटवारे की वजह से जैनब का परिवार पाकिस्तान चला गया था। इधर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी भी हो गई, साथ ही उनके दो बच्चे भी हो गए थे। लेकिन तभी भारत सरकार ने कानून लागू किया जिसके तहत बंटवारे के बाद जो भी पाकिस्तानी भारत में रह गए थे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जिसके चलते जैनब को भी पाकिस्तान भेज दिया गया। पर बूटा सिंह जैनब के बिना रह नहीं पाए और उन्होंने इलीगली पाकिस्तान जाने का फैसला किया। और जब बूटा सिंह जैनब के घर पहुंचे तो जैनब के घर वालों ने बूटा सिंह का काफी अपमान किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और पाकिस्तानी कोर्ट ने जब जैनब को पूछा कि क्या वो भारत वापस जाना चाहती है, तो घर वालों के दबाव में आकर जैनब ने बूटा सिंह के साथ जाने से मना कर दिया। फिर सदमे से टूटकर बूटा सिंह ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। और तब उनकी जेब से एक चिट्ठी निकली जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनकी कब्र जैनब के गांव में ही बनाई जाए। लेकिन बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश भी जैनब के घर वालों ने पूरी नहीं होने दी और बूटा सिंह को पाकिस्तान की सबसे बड़ी कब्र गांव में दफनाया गया। लेकिन जब ये बात पाकिस्तान के लोगों को पता चली तब से बूटा सिंह को शहीद मोहब्बत कहा जाने लगा। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये स्टोरी पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।